जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर काशीवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। हिंदू संगठन के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही बजरंग दल के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम का संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादियों ने निर्मम और जघन्य आपराधिक रूप से उनके ऊपर गोली चलाई और उस दिन हमारे देश में भारत सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। बजरंग दल आज इस आतंकवादी घटना को घोर निंदा करता है और आतंकवाद इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करता है और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन यहाँ के माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से बजरंग दल भारत सरकार के द्वारा जो है दिया जा रहा है और यहाँ के कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे और यह आंदोलन यह धरना प्रदर्शन पूरे देश भर आज रखा गया है। मांग क्या? मड़ौरी थाना के चांदपुर पंचायत भवन के पास साड़ी बनाने के कारखाने में कटर मशीन से निकली चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो ये कारखाना था इसमें प्रिंटिंग होता था, खासतौर पे प्लास्टिक प्रिंटिंग टाइप की चीजें हुआ करती थी। तो आज ये मतलब इसमें कटिंग करके निकाल रहे थे, लोहे की रेलिंग वगैरह तोड़वा के निकलवा रहे थे क्योंकि मकान को इनको बेचना है। तो पुराने रखे हुए पेंट वगैरह में अचानक चिंगारी पकड़ के आग लग गई और आग लगने के बाद वो विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। लेकिन स्थानीय नागरिक थे लोग, मंगल पटेल जी थे, तुरंत सूचना दिया इन्होंने, प्रथम सूचना इन्होंने हमें दिया। उसके बाद बाकी सारी कार्रवाई किया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और मौके पर सारे लोग आए थे। किसका था? ये कमलेश पटेल जी का था। कमलेश पटेल जी के पिताजी जब गुजरे उसी समय से, 4-5 साल पहले इनके पिताजी गुजरे, उसी समय से कारखाना बंद था इनका। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में घायल दंपत्ति के मंगलवार को शकुशल घर वापसी के बाद जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने उनका हाल जाना। डीएम हमले में घायल काल भैरव निवासी अतुल मिश्रा के घर पहुंचे। उन्होंने दंपत्ति से बात कर उनका हालचाल पूछा। वहीं परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने घायल अतुल मिश्रा के पिता को आश्वस्त किया कि शासन प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। एक्टर राजकुमार राव बुधवार को फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी पत्रलेखा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं मंदिर की भव्यता देखकर दोनों भाव विभोर हो गए। राजकुमार राव के आने की सूचना पर मंदिर परिसर के बाहर फैंस की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा ने लोगों के साथ हर हर महादेव का जय घोष लगाया। प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए काशी में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें किसी महिला और पुरुष की नहीं बल्कि एक मेढक और मेढकी की विधि विधान से शादी कराई गई। गर्मी से निजात पाने के लिए काशीवासियों ने पहाड़िया स्थित श्रीनगर कॉलोनी में डी बाबा मंदिर के प्रांगण में पूरे संस्कार के साथ मेढक और मेढकी की शादी करके इंद्र देवता को प्रसन्न किया और उनसे जल्द से जल्द बारिश करने की प्रार्थना की। इस विवाह का हम लोगों ने आयोजन किया है क्योंकि इसमें गर्मी जो है 48-49 डिग्री पड़ रही है और बारिश होने की कोई संभावना काशी में नहीं है। काशी और समस्त क्षेत्रों में बारिश हो, इसके उपलक्ष्य में हमने मेघराज को प्रसन्न करने के लिए मेढकी और मेढका का विवाह कराया है और विधि विधान से जिस प्रकार पुराणों में संपन्न कराया जाता है कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और काशी में बारिश हो। इस शादी में कन्यादान हुआ है, उसके उपरांत लौ परछन हुआ है, उसके उपरांत सिंदूरदान का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद भगवान का अब पूजन करके इसको समापन किया जाएगा। काशी की सड़कों और इमारतों पर अब धार्मिक चिन्हों की झलक दिखने लगी है। मड़ुआडीह से लहरतारा मार्ग के स्ट्रीट लाइट पर त्रिशूल और डमरू के बाद अब तथागत की तपोस्थली सारनाथ स्ट्रीट लाइट पर धर्म चक्र दिखाई दे रहा है। शिवलिंग के आकार का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन चुका है। आने वाले समय में कई भवनों जैसे रोपवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इंटीग्रेटेड मंडलीय कार्यालय आदि में धार्मिक चिन्ह और मंदिर का स्वरूप दिखेगा। सारनाथ में विश्व बैंक की सहायता से लगभग 90 करोड़ की लागत से प्रो पुअर प्रोजेक्ट का कार्य अंतिम पड़ाव पर है।
कामकाज में सुस्त थानेदारों की थानेदारी 15 दिनों बाद जानी तय है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने थानेदारों के कामकाज की मॉनिटरिंग खुद शुरू कर दी है। सीपी थानों का निरीक्षण कर थानेदारों की कार्य प्रणाली की पड़ताल कर रहे हैं। थानेदारों की कामकाज के आधार पर नंबर आधारित रिपोर्ट तैयार होगी। नंबर कम आने वाले थानेदार हटाए जाएंगे, उनके स्थान पर तेज तर्रार व बेहतर कार्य क्षमता वाले थानेदारों को मौका दिया जाएगा। वाराणसी समेत पूरे यूपी में इस समय प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल है। लोग गर्मी और लू से व्याकुल है। वाराणसी में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। धरती और आसमान से आग बरस रही है। गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से यूपी के कई जिलों के अगले 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो यूपी में फिलहाल गर्मी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी काशी आएंगे। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार उन्हें अपना सांसद चुनने के लिए काशीवासियों का आभार जताएंगे। वहीं राजा तालाब के मेहंदीगंज में किसान संवाद कार्यक्रम में पूर्वांचल के 50,000 किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी जान बचाकर भागे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से हार जाती। कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है कि ये आपकी राजनीति हमें अच्छी नहीं लगी, हम नफरत के खिलाफ है। कहा कि हिंदुस्तान की जनता का यह संदेश है कि हम मोहब्बत के समर्थक हैं, कम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाती। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है।